31 जनवरी तक हुकूमत मुस्तैद है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्तैद होने की डेडलाइन दे दी। को मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन, वरना यकुम फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान। बियॉन्ड इमरान खान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाल्लाह। जिन्ना के दहशत गर्द मुल्क में फिर शोर है कि इमरान के पास सिर्फ 1.5 महीने और। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली। इमरान की गद्दी जाएगी, जाएगी क्या जाने वाली। सर्टिफाइड गद्दार। हम भाग के साथ चला रहा है। हम भाग के लिए मैं ये समझा हूँ कि कुदरा वाला की अवामी काफी है। लोगों का एक ही नारा था, को न्याजी को न्याजी को न्याजी। आप किसी के एजेंट हैं? ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं, इस बार तो ऐलानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाजवा की 2.5 साल पुरानी पपेट की डोर काटने का ऐलान किया गया। न्याजी तो बड़ा बेइज्जत कबीला है पश्तूनों का। इमरान का गो, इमरान गो। निकलोगे घरों से? दो। इमरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए पाकिस्तान की 11 सियासी जमातों ने एक बार फिर जिन्ना के मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकालने का ऐलान कर दिया है। हम हुकूमत को वादे कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्तफी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्तफी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान। तेरह दिसंबर को लाहौर में पीडीएम का जलसा। पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। इमरान दहशतगर्द है या नहीं है, लेकिन कम से कम फिर ये कहने का वक्त आ जाएगा कि पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान का ये इशारा पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की तरफ था। लब्बुलवाब यह है कि जिस तरह से सरहद पार संग्राम मचा है उससे एक बात तो तय है कि इमरान खान से पहले पाकिस्तान की कायर लुटेरी और बेशर्म फौज में तख्ता पलट होने वाला है। पाकिस्तान में भले ही फौजी बगावत सिर्फ 3 बार ही हुई हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 साल और 2 महीने प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद यूसुफ रजा गिलानी भी इतने ही वक्त तक पीएम रहे। जुल्फकार अली भुट्टो 3 साल और 10 महीने प्रधानमंत्री रहे। बेनजीर भुट्टो उनकी बेटी 1 साल 8 महीने और 1993 में नवाज शरीफ जब दूसरी बार पीएम बने तो 1 महीने 22 दिन ही गद्दी पर रह पाए। 1971 में नूर अमीन तो सिर्फ 13 दिन ही वजीर आजम रह पाए थे। सवाल यह है कि क्या इमरान खान 5 साल पूरे कर पाएंगे? लगता तो नहीं है। 31 जनवरी से पहले इमरान खान की कुर्सी कैसे जाने वाली है, इस रिपोर्ट में देखें।